जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व शांति तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, विरिया जी, संत रविदास, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीमाई फुले और इसी तरह पूरी विश्व में मानवता के लिए जिन जिन महापुरुषों ने, माँ माताओं ने काम किया है, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने जो पंचवर्गीय भिक्खु थे, जो सज्जित, बप्प, भद्दीय, कौंडिन्य, महानाम, ये जो पांच सन्यासी थे जो भगवान बुद्ध उनको प्रवचन दिया, और जो भगवान बुद्ध के जीवन का वो पहला प्रवचन था, भगवान बुद्ध के प्रवचन से बहुत प्रभावित हो गए। और उसके आगे फिर हम देख रहे हैं कि प्रज्ञा के बारे में हमने बड़े विस्तार से देखा। प्रज्ञा बुद्ध धर्म के अंदर जो भी आचरण है, वो करुणा हो, मैत्री हो, सदाचार का जीवन कोई भी हो, मैत्री भावना हो, समाधि हो, शील हो, ये हर बात करने के लिए प्रज्ञा का होना जरूरी है। अगर आप दान भी कर रहे हो तो उसके साथ में प्रज्ञा का होना जरूरी है। मतलब बुद्ध धर्म में, बुद्ध धर्म आचरण का धर्म है, बुद्ध धर्म में जो भी आचरण आप करोगे तो उसके लिए प्रज्ञा साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमने देखा, और प्रज्ञा के बारे में जो तीन जो स्टेप्स है वो हमने देखे, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, ये तीनों प्रज्ञा हम बड़े विस्तार से देखे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो धम्म इन पांच सन्यासियों ने जब सुना तो वो प्रभावित हो गए और उन्होंने भगवान बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और वो उनके शिष्य बन गए। पहला प्रवचन हो गया जो सारनाथ में, और वो पहले पांच शिष्य जो पंचवर्गीय भिक्खु कहते हैं, आज भी धम्मिक स्तूप है वहाँ पे और बड़ी पवित्र जगह है। वो जगह एक बार हमें जाके देखनी ज़रूरी है। तो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुलीन तथा धम्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा, यश कुल पुत्र की प्रवज्जा। जैसे कि हमने देखा है, उस वक्त दो सिरे का धर्म चलता था, दो सिरे के आचरण करने वाले लोग थे। एक सिरे में जो थे, जो काम भोग गान नृत्य में अविरत वीरत रहते थे, दूसरे जो लोग थे जो अपने आप को तकलीफ देते थे और ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में अपने आप को तकलीफ दे के खोज करते थे। लेकिन ये दोनों से हट के भगवान बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग जो दुनिया को दिया। तो एक जो परिवार था, उनका एक जो परिवार बड़ा ही आज के ज़माने में जो कह सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन थे, और उनका लड़का था यश, तो वो दिन रात काम भोग में लत रहता था, वो नृत्य गान में, काम भोग में, ऐसी सभी बुरी जो बातें हैं उस सभी बुरी बातों में लगा हुआ था। और कुछ दिन के बाद उसे अपने आप पे घृणा होने लगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या ये जीवन है। अब
अब अगर आपने ओशो के बारे में पढ़ा होगा, रजनीश के बारे में पढ़ा होगा, तो रजनीश ने कहते हैं कि मैत्रीय बुद्धमय था, ऐसे उन्होंने अपने आप को कहा। और उनका जो बेस था वो ये था कि संभोग से समाधि तक। यश का एक उदाहरण है, शायद यश को, यश की जो घटना थी, यश की जो कथा थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ खोज कर लिया होगा, उनको कुछ लगा रहेगा। लेकिन उनका अगर आप ठीक से ध्यान से सुनोगे तो कुछ बुद्ध धम्म को समझने में आपको बहुत मदद होगी। ऐसा धम्म सनातनो, ये जो धम्म पद पे आधारित उनका प्रवचन है, वो पूरे प्रवचन सुनने लायक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धम्म अगर हमें समझना है तो समझने के लिए हमें कई महापुरुषों के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, कई ग्रंथ पढ़ने हो पड़ेंगे, बुद्ध धम्म के आधारित जो ग्रंथ है वो पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम बुद्ध धम्म को ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो रजनीश ने जो संभोग से समाधि तक जो कहा है वो कितना सही है कितना नहीं है लोगों, लेकिन एक बात तो थी कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ के लोग पागल हो गए थे और रजनीश कुछ भी नहीं बताते थे, धम्म के अलावा कुछ भी नहीं बताते थे। फर्क इतना ही था कि वो संभोग से समाधि तक बताते थे, जो हो सकता है कि इस कथा से प्रेरित हुए होंगे। यश अपनी पूरी जिंदगी, मतलब पूरी जवानी के अंदर वो काम भोग में लग था, नृत्य गान में लग था, बहुत पैसे वाले लोग थे उस वक्त, बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन एक दिन अपने आप को कुछ सोचने लगा, सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही मार्ग है। अपने आप को सवाल पूछा और उसे लगा कि ये सही मार्ग नहीं है, तो सही मार्ग क्या है, कैसे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के पूरी रात यहाँ वहाँ भटकता रहा और रुचि पतन की वहाँ पे जाके वो बैठ गया। सुबह सुबह तथागत संक्रमण कर रहे थे, मतलब टहल रहे थे, उस वक्त भगवान बुद्ध ने यश को देखा। अब यहां से भगवान बुद्ध को कहते हैं तथागत, मैं हर एक बात को मैं आपके सामने विश्लेषण करना चाहता हूं ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं। अब तथागत क्या होता है? तथागत जो जो कहते हैं उस पे चलते हैं, उसे कहते हैं तथागत। भगवान बुद्ध के कई नाम थे, मैंने भगवान का मतलब क्या है वो भी समझा है, तथागत क्या है फिर आगे मैं ये भी समझाऊंगा। हम त्रिशरण करने से पहले बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, तीन बार कहते हैं हम लोग। तो हमें प्रवचन करते वक्त छोटी छोटी जो बातें, जो हम बुद्ध विहार में जाते हैं वहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है हर बातों का। मतलब जो बोलते हैं त्रिशरण का मतलब क्या है, पंचशील का मतलब क्या है, पंचांग प्रणाम कैसे किया जाता है, बुद्ध मतलब क्या, धम्म मतलब क्या और संघ मतलब क्या, ये हर बातें मैं धीरे मतलब अपने प्रवचन के अंदर बताते रहूँगा। तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम जान लेंगे। नमो तस्स भगवतो, मैं नमन करता हूँ, किसको नमन करता हूँ, तस्सो उसको, नमो तस्स भगवतो, भगवतो भगवतो भग रागो भग दोसो, मतलब जिन्होंने मतलब जो तृष्णा को जिसने नायनाट कर दिया, खत्म कर दिया है,
क्रोध को खत्म कर दिया है, जो लोभ है, जो अपने अंदर जो मार सेना है उस मार सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नमो तस्सो भगवतो, भगवतो जिसने खत्म कर दिया है। अरहतो, अभी अरहतो क्या है, आपने बीच में देखा रहेगा एक सबमरीन, भारत देश में एक सबमरीन आई थी, उसका नाम रखा था अरिहंत। नमो तस्स भगवतो अरहतो, वो अरिहंत जो नाम है, मतलब पाली भाषा में अरिहंत कहते हैं, जो अरहतो पाली भाषा में अरहतो कहते हैं, अरिहंत आज के जमाने में हम लोग कहते हैं। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब उसकी हत्या। नमो तस्स भगवतो अरहतो, अरहतो क्या है, अपने भीतर अपने अंदर जितने भी शत्रु है, जैसे कि वो मार सेना कहते हैं, अपने भीतर जो बुरे विचार है, जो जितने अंदर शत्रु है, उसको जिसने मारा, अरहंतो शत्रु को मारा, वो शत्रु जो बाहर वाले शत्रु नहीं, हमारा जो बुरा चाहते हैं वो शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु हमारे बीच में हमारे अंदर होता है। अपने अंदर के शत्रु को जो मार के जीतता है तो वो सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। तो अरहतो मतलब अपने अंदर के, अपने भीतर के, भीतर के जो शत्रु है, जो बुरे विचार है, बुरे ख्याल है, उसको, उसके ऊपर जो हावी होता है, जिसको जो खत्म कर देता है, उसे कहते हैं अरहतो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब सम्मा सम्बुद्धस्स जो है, बाद में मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा सम्मा सम्बुद्धस्स क्या होता है। सम्यक सम्बुद्ध, सम्मा सम्बुद्धस्सो मतलब सम्यक सम्बुद्ध। सम्यक सम्बुद्ध कौन होता है, जिसकी जो अरहत्व हो गए है, अरहत्व हो गए है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी बुद्धत्व मिलने के बाद, बुद्धत्व के बाद में पूरी जिंदगी लोगों को धम्म समझाने में चली जाते हैं, उसे सम्यक सम्बुद्ध कैसे कहते हैं। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व वो होते हैं जो पूरी जिंदगी लोगों को, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, और उनको इतना भी वक्त नहीं होता कि वो ध्यान साधना करें, और वो बोधिसत्व होते हैं उस जन्म में। और सम्यक सम्बुद्ध मतलब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद पूरी जिंदगी वो अपना धम्म लोगों तक पहुंचाते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। तो तथागत से हमने शुरुआत की, तथागत भगवान बुद्ध का एक नाम है। तो तथागत ने यश को पूछा, क्या हुआ, बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या बात है। तब यश ने कहा कि मैं अपने जिंदगी से बड़ा दुखी हूँ, मैंने आज तक की जिंदगी काम भोग में गुजारी है, दिन रात मैं नृत्य गान में लत रहता था, शराब पीता था, लेकिन मैं आज ये वक्त आया है कि मुझे उससे घृणा हो गई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक अच्छे राह पे मैं चलना चाहता हूं। तो जो पंचवर्गीय भिक्खु के बाद में पहला जो प्रवचन दिया रुचिपतन में, वो पहला प्रवचन दिया यश को दिया, और यश को जैसे ही प्रवचन दिया और यश को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हो गया, उसको लगा कि मैंने घर छोड़ा, यहाँ पे आया, और मुझे जिस मार्ग की खोज थी, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, वो मार्ग मुझे मिल गया। और एक बात मैं अभी कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने कभी भी पूरी जिंदगी में, या बुद्ध धम्म का एक रूल है, अगर आप किसी को गुरु मानना चाहते हो या किसी का शिष्यत्व पद करना, मतलब शिष्य बनना चाहते हो, तो शिष्य बनने के लिए भी उस शिष्य को याचना करनी पड़ती है, शिष्य को, गुरु को, मतलब आज के ज़माने में भी अगर हम जाते हैं कभी ध्यान साधना करने जाते हैं, या हम अगर भिक्षु बनना चाहते हैं, तो वो अपने आप को याचना करनी पड़ती है, मुझे आपका शिष्य बनाइए,
मतलब इतनी डेमोक्रेसी, इतनी फ्रीडम, इतना इतनी छूट, इतना मतलब विचार बड़े महत्वपूर्ण है, तो किसी को जबरदस्ती, भगवान बुद्ध किसी को जबरदस्ती प्रवचन नहीं सुनाते थे या अपना शिष्य भी नहीं बनाते थे। तो यश ने कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है, तो भगवान बुद्ध ने जो पंचवज्ञीय भिक्खु थे उसके बाद में जो पहला जो उनका शिष्य है वो यश था। और उसके बाद में हुआ यूं कि उसके पिताजी बड़े दुखी हो गए कि मेरा लड़का गया कहाँ। वो ढूंढते ढूंढते ऋषिपतन में आ गए, ऋषिपतन में आ गए, भगवान बुद्ध उनको दिखे। भगवान बुद्ध को पूछा कि मेरे लड़के को आपने कहीं देखा है? तो भगवान बुद्ध उसको लेके अंदर चले गए और बस उनके लड़के के बाजू में बैठे हैं उनके पिताजी, लेकिन मुंडन किया हुआ है, बदन पे चिवर पहना हुआ है, अपने लड़के को नहीं पहचाना। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ये क्या तुम आपका लड़का है? तो इसने उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा लड़का है, ये तो यश है। तो उनको दिल से अंदर लगा कि अपना यश एक अच्छे मार्ग पे लगा हुआ है, एक अच्छा मार्ग उसे मिला हुआ है। कि देखिए कभी भी ये होता है कि अपना बच्चा, अपना लड़का जब शराब में लत हो जाता है, काम भोग में लत होता है, नृत्य गान में ही पूरा दिन बिताता है, तो कोई भी पिता हो उसे बड़ा दुख होता है। तो ऐसे ही यश के जो पिता थे उनको दुख तो हो रहा था, लेकिन उनको लगा कि अभी अपना जो लड़का है एक सही मार्ग पे है, सही मार्ग उनको मिल गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि यश अब सही मार्ग तुम्हें मिल गया है, अब चलो घर पे। तो यश ने कहा अब मैं घर पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं भिक्षु बन गया हूँ। उनको दुख हुआ कि अपना लड़का अभी घर पे नहीं आएगा, भिक्षु बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अंदर से उनको एक आवाज़ आई कि हमारा जो लड़का है वो सही मार्ग पे चल रहा है, सही मार्ग पे चला हुआ है। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, अगर भिक्षु बन गया है तो भगवान बुद्ध से एक प्रॉमिस ले लिया कि आप मेरे घर पे आओगे और मेरा भोजन दान स्वीकार करोगे। तो भगवान बुद्ध यश के साथ में अपना चिवर, अपना भिक्षा पात्र लेके उनके घर पे भोजन स्वीकार करने के लिए चले गए। सामने उनकी माता थी, माता को भी धम्म समझा दिया क्या होता है, धम्म का मतलब क्या है, दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। माता भी बड़ी प्रसन्न हो गई और इस तरह यश पंचवज्ञीय भिक्षु के बाद में यश फैला, उनका शिष्य बन गया। अब हम आगे देख रहे हैं, यश के और चार मित्र भी थे, जो कहते हैं ना जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, इस तरह उनके यार भी थे, दोस्त भी थे, वो मित्र भी थे, वो भी यश के जैसे ही थे। यश को ढूंढते ढूंढते वो भी ऋषिपतन आ गए। ऋषिपतन में जब आ गए तो उनको पता चला कि यश भिक्खु बन गया है, तो उनको लगा कि यश ने जो मार्ग अपनाया है वो सही मार्ग है। फिर चार जो उनके उनके दोस्त थे, उनका नाम था, एक का नाम विमल, दूसरा का नाम सबाहु, पुण्यजीत और गवामपंथी, ये चार लोग भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। और इस तरह ये शिष्यगण आगे बढ़ रहा है। अभी हमें आगे यही देखना है कि किस तरह से भगवान बुद्ध ने शिष्यगण आगे बढ़ाया, धर्म कैसे समझाया। तब आगे हम बढ़ रहे हैं कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। जो कश्यप यानी कि काश्यप, वाराणसी में कश्यप काश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में तीन पुत्र थे, तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची, तदनुसार उसने गृहत्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया।
उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और भी सन्यासी बन गया। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, निरंजना नदी का कश्यप और गया कश्यप, गया गांव का नामों से जाने गए। कश्यप नाम का एक परिवार था, उनको तीन बेटे थे। पहले बेटे ने सोचा कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, तो वो संसार छोड़ के चला गया, सन्यासी बन गया। तो दूसरा भाई भी गया, तीसरा भाई भी गया, लेकिन तीनों भाई ने अपना अपना एक अलग अलग जगह पे एक डेरा बना लिया। अलग अलग जिस जहाँ पे एक कश्यप जो था उसने नदी कश्यप कहते हैं, दूसरे को गया कश्यप कहते हैं, तीसरे को उरुवेल कश्यप कहते हैं। तो इस तरह तीनों ने अपने अपने डेरे बना दिए, अपने अपने विचारधारा से लोगों को वो प्रभावित करते थे और उनका काफ़ी अच्छा उस वक्त नाम था। इन तीनों से दोनों में से उरुवेल कश्यप ने 500 जटिल शिष्य थे। उनके शिष्य जो पहला वाला जो कश्यप था उसके 500 शिष्य हो गए। और वो उनकी खासियत क्या थी कि वो जटाधारी थे, इसीलिए उनको जटिल कहते थे, जटाधारी। और वो अग्निहोत्री थे, अग्नि की पूजा करने वाले बन गए वो। जैसे कि उस वक्त अलग अलग पंथ थे, उसमें एक अग्निहोत्री एक पंथ था और वो अग्निहोत्री पंथ की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने अपना अपना डेरा डाल दिया। तो जो पहला कश्यप था उसके 500 शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। जटिल यानी कि जटाधारी शिष्य थे, उनमें उरुवेल कश्यप प्रमुख था। जटिल जो कहते हैं जटाधारी, जो आज भी हम लोग देखते हैं बाबा होते हैं जटाधारी, ठीक है जटाधारी होते तो है, लेकिन प्राचार्य का जीवन जो होता है उसके लिए उनके पास कोई महत्व मैंने देखा नहीं। कई बार हमने देखा रहेगा कि वो गांजा का सेवन करते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के अंदर ऐसी कोई भी जो नशा देने वाली कोई भी चीज़ रहेगी तो उसको सेवन करना गलत समझा जाता है, पाप समझा जाता है। उरुवेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप की धम्म उपदेश देने को संभव होने पर उसे अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। अब आज भी अगर हम देखते हैं ये जो गुआ है, बाबा है, आज मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा आज का जो बिजनेस है तो वो गुआगिरी बाबागिरी का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, क्योंकि लोग इतने मूर्ख हैं, उनको उनसे हटके कुछ बात चाहिए। रोजमर्रा के जीवन से जो हम जो संसार में है, संसार को छोड़ के कुछ लोग त्याग करके बैठे हैं, बस उन्होंने संसार का त्याग किया मतलब वो बहुत बड़ा काम कर लिया, और उसके साथ में ईश्वर का अगर नाम लेते तो सुने पे सुहागा। तो ईश्वर का नाम लेना और जिस सवालों का जवाब उनके पास नहीं है ऐसी कुछ बातें बकना, लोग उसे चमत्कार समझने लगते हैं। लोग पागल क्यों होते हैं किसी बाबा के पीछे? क्योंकि उनको कुछ सवाल के जवाब मिलते नहीं और वो जो बोलते हैं वो भी समझ में उनके नहीं आता है। लेकिन जो समझ में नहीं आता है तो वो क्या समझते हैं कि हमारे समझ से परे है। और समझ से परे है मतलब कुछ हटके है, अलग है, तो उसके सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध धर्म में पूरी तरह से आज़ादी है सोचने की, पूरी तरह से आज़ादी है सवाल पूछने की, पूरी तरह से आज़ादी है उसकी चिकित्सा करने की, उसके सवाल
सवाल जवाब करने की पूरी तरह अनुमति बुद्ध धर्म में आपको मिलेगी। इसीलिए बुद्ध धर्म एक कहते कि फ्रीडम देने वाला धर्म है, अपने विचारों को स्वतंत्रता देने वाला धर्म है। जो मैंने कहा कि अपने कुछ सवाल होते हैं, सवालों के जवाब जो प्रवचन देने वाला है उसी को, उसको भी नहीं मालूम होते, और उसका शिष्य जो बनता है उसको भी कुछ पता नहीं होता है, तो वो उसके शिष्य बन जाते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। कौन होता है गुरु? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु अगर किसी को बनाता है तो शिष्य भी होशियार होना चाहिए। एक कथा आपको बोलता हूं। ऐसा ही एक बाबा बुआ गांव गांव घूमता था, कुछ प्रवचन बातें बताता था, और बाद में कहता था कि मैं आपको स्वर्ग भेज सकता हूँ। अब स्वर्ग भेज सकता हूँ तो सब लोग हाथ जोड़ते थे, बहुत बड़ी बात है, आप स्वर्ग भेज सकते हैं, लेकिन स्वर्ग भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा ना पहले, मरने के बाद ही तो स्वर्ग मिलेगा। अब मरना तो कोई चाहता नहीं, स्वर्ग में तो जाना चाहता है, लेकिन फिर कभी देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बता दिया, उसने सवाल डाल दिया, सवाल का जवाब किसी को मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं, गुरु बना लिया, हाथ जोड़ दिए, गुरु बन गए। गुरु तो बन गया, मतलब वो शिष्य भी आधा अधूरा, गुरु भी आधा अधूरा। गुरु को अपने पैसे मिल रहे हैं, बोलते आप बड़े धन्य हो, शिष्य क्या बोलते आप बड़े धन्य हो, तो ये दक्षिणा ले लो, हम स्वर्ग में जाना तो चाहते हैं लेकिन आज नहीं, फिर कभी सोचेंगे। तो उसको दक्षिणा मिल जाती थी, उसका काम चल जाता था, उसकी रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन मैंने अभी कहा शिष्य कैसा होना चाहिए। एक शिष्य बड़ा होशियार, वो गया, नमस्कार किया, तो क्या बेटा क्या चाहिए? बोले आप सबको बोलते हो क्या स्वर्ग में जाना है, क्या स्वर्ग में जाना है? हाँ तो बोलता हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। अरे इसको कैसे, ये तो अलग ही बात बोल रहा है कि स्वर्ग में जाना चाहता है। तो उसको लगा कि क्या है, यहाँ वहाँ उसको लेके घुमा देंगे, इधर उधर घुमा देंगे, कंटाल के चला जाएगा। ठीक है मैं तेरे को स्वर्ग दिखाता हूँ, चल। चला उसके साथ, चला साथ में। एक हफ्ता गया, दो हफ्ता गया, तीन हफ्ता गया, चार हफ्ता गया, एक महीना गया, दो महीने गया, छः महीने गए। ये उसकी बराबर सेवा तो कर रहा है, लेकिन रोज एक ही सवाल पूछे, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। तब गुरु ने, वो बाबा ने हाथ जोड़ दिए, भैया मैं कोई स्वर्ग पर किसी को ले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे ही पता नहीं स्वर्ग कहाँ है। लोग तो मुझसे डरते हैं, मुझे मेरे दक्षिणा देते हैं, मुझे मेरी दक्षिणा मिल जाती है, मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं, मेरा काम चल जाता है। तो पहला आदमी मुझे ऐसा मिला जो मेरे पीछे ही पड़ा है कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, हाथ जोड़ दिए। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसे गुरु को भी परखना आना चाहिए। किसी को भी तुम शिष्य बनाओगे तो कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह इनके 500, 300, 200 ऐसे बड़े बड़े शिष्य बन गए थे, जो काश्यप बंधु थे, इनकी बड़ी बड़ी विख्यात हो, बड़े बड़े विख्यात हो गए थे। बड़े बड़े दूर से लोग उनके पास आते थे, आज भी तुम देखते हो हजारों बाबा लोग हैं, उनके पास हजारों लोग जमा होते हैं और प्रवचन सुनते हैं। बस दुख मुक्ति का तो कोई मार्ग है ही नहीं, लेकिन बस सुनना है, दिल के अंदर से लगता है ठीक है, अच्छा लग रहा है, बस उसके आगे कुछ नहीं है। दुख मुक्ति तो कोई होता नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत के बारे में कोई बोलता नहीं।
ईश्वर के बारे में भले बोलेंगे लेकिन कर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कर्म सिद्धांत, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है सदाचार का जीवन, और वो उसे जीना पड़ेगा। और उसके बाद में ही उसे मालूम है कि मैं सदाचार का जीवन जीऊँगा तो ही मैं सफल हो जाऊँगा, दुख मुक्त हो जाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब भगवान बुद्ध ने सोचा कि उरुवेला कश्यप जो है उसको मैं अपना धर्म बता दूँ, समझा दूँ, ये जो लोग अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, मेरे प्रवचन से शायद उन पे कुछ असर होगा, शायद उनको सद्धर्म का मार्ग मिल जाएगा, तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले। भगवान बुद्ध ने उनसे बात किया, कश्यप यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रहने दो। भगवान बुद्ध का नाम भी तो कश्यप ने सुना था, कश्यप को भगवान बुद्ध के नाम से भी डर लगता था, लेकिन भगवान बुद्ध खुद मेरे पास आए हैं, भगवान बुद्ध याचना कर रहे, विनती कर रहे कि मुझे तुम्हारे आश्रम में एक रात के लिए रुका लो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार्य नहीं है, मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है, इसे भयानक शक्तियां प्राप्त है, वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है, वह रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात्रि में वैसी ही हानि न पहुंचाए जैसी हानि वह मुझे पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि एक जो मुचलिंद नाम का एक नागराज है वो सबको तकलीफ देता है, हमको भी तकलीफ देता है, बस उन्हें टालना भी था और सच्चाई भी थी, एक मुचलिंद नाम का एक नाग था जो सभी को हानि पहुंचाता था, तो आप यहाँ पे मेरे आश्रम में नहीं रह सकते, ऐसा कश्यप ने बताया। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे, इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुँचाए, है कश्यप कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। तो फिर से भगवान बुद्ध ने विनती की कि मुझे एक रात के लिए उस आपके आश्रम में रहने दो, और मुझे कोई नाग, देखिए जब बोधिसत्व और आगे चल के जो बुद्धत्व पे पहुँचते हैं उनकी जो उनका जो महापरिनिर्वाण है वो नैसर्गिक होता है, उन्हें कोई भी मार नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर शक्ति इतनी होती है कि उनको मारने के बारे में पहली बात तो कोई सोच नहीं सकता, अगर कोई सोचता भी है तो भी वो मार नहीं सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई नागराज नहीं है जो मुझे मारेगा, तो फिर भी मैं रहना चाहता हूँ। कश्यप बार बार बहुत ही परेशानी बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे, कश्यप टालना चाहता था कि मैं भगवान बुद्ध को किस तरह से टालूं। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आपको अच्छा समझे करे अनुमति दे दी वहाँ पे रहने की। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई, वह यही सोचता था कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया होगा। अब वो मुचलिंद जो नागराज था
उसके बारे में भयभीत हो गया कि ये भगवान बुद्ध को, मेरे अतिथि को तकलीफ पहुंचाएगा, ये कश्यप जो रात भर सोचता रहा। और सुबह उठ के जब भगवान बुद्ध के पास कश्यप आ गया, प्रातःकाल कश्यप और उसके अनुयायी देखने के लिए आए मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की, तो बात ही क्या, उन्होंने मुचलिंद को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देख लिया। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि यह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वही एक आश्रम बनाकर रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध को वो समझता था कि भगवान बुद्ध सिर्फ और सिर्फ चमत्कार करने वाला एक कोई जादूगर है, इसके आगे कुछ नहीं है। दूसरे कोई किताब में ऐसा लिखा गया है, वो भी थोड़ी सी मैं आप, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये ग्रंथ में दूसरी एक किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि एक जो मुचलिंद नागराज था, हो सकता है वो सही, ये सही कुछ भी, लेकिन एक नागराज बताया हुआ है, जो नाग बताया है, जो भगवान बुद्ध को, जो उस कुटिया में भगवान बुद्ध को रखा गया, वहाँ पे वो नाग वास्तव करता था। भगवान बुद्ध को वो कुटिया दी गई, भगवान बुद्ध बैठ के ध्यान साधना कर रहे थे, और कश्यप को ऐसा लगा कि हो सकता है भगवान बुद्ध को उस नाग ने काटा होगा, भगवान बुद्ध शायद जीवित नहीं रह गए, वो इसीलिए वो सुबह देखने को आते हैं, तो वो जो नागराज है, जो नाग है, भगवान बुद्ध के शरीर पे खेल रहा था। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो प्रभावित करते थे, एक औरा था जो हर प्राणी के प्रति, भगवान बुद्ध के अंदर करुणा थी, और करुणा के जो वेव्स होते हैं, जो पावर होती है, वो किसी भी प्राणी तक पहुंच जाते हैं, और वो जो कोई भी प्राणी हो वो बुद्ध को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये कारण है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिक है। हर इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर से एक वेव्स बाहर निकलते हैं, एक किरण बाहर निकलते हैं, अपने सोच के किरण, अपने विचारों के किरण, हम किस तरह से सोचते हैं, तो भगवान बुद्ध के शरीर की, पूरे शरीर के अंदर करुणा ही करुणा भरी थी, पूरे संसार के लिए उनके दिल में करुणा भरी हुई थी। और जो करुणा के अंदर के जो वेव्स बाहर निकलते हैं, वो वेव्स उस नागराज या कोई भी दुनिया का कोई भी प्राणी हो उसके ऊपर वो असर करता है। और वो आपने डिस्कवरी में या नेशनल ज्योग्राफी में देखा रहेगा कि कई लोग इतनी हिम्मत करते हैं, जो नाग को पकड़ते हैं, या बड़े बड़े हिंस जो शौपद है, जो प्राणी है, उनको पकड़ते हैं। कई मैं तो कई ऐसे डिस्कवरी पे देखा हूँ, कुछ वीडियोस देखा हूँ, जो भंते जी होते हैं, जो भंते जी शेरों के ऊपर कई बैठे हुए दिखे हैं, तो कहीं उनको अपने हाथों से हिला रहे, हाथों से लेके घूम रहे, शेर है, चीता है, लेपर्ड, सब ऐसे जो हिंस्र प्राणी है, उस प्राणियों को बड़े प्यार से सहला रहे हैं, निला रहे हैं। तो ये किस लिए होता है, तो अपने अंदर एक करुणा की भावना इतनी होनी चाहिए, डर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और ये साइंटिफिक है, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे प्राप्त भी करनी आनी चाहिए, और दिल के अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए कि वो करुणा से लथपथ भरा होना चाहिए। और वो करुणा से जो भरा होता है इंसान, तो उसके अंदर से कुछ किरण वेव्स बाहर निकलते हैं और उस प्राणी के ऊपर असर करते हैं, वो प्राणी उनको मारते नहीं, काटते नहीं। उनके बारे में अगर तुम बुरी भावना रखते हो,
उनको मारने का सोचते हो। हमारे भारत देश की तो बड़ी बड़ी दुखद बात है, मिट्टी का नाग बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, लेकिन सामने अगर असली वाला नाग आ जाए तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, मार डालेंगे, जला देंगे। इस तरह के कई बातें हमें भारत में देखने मिलती है, लेकिन नाग का जो महत्व है वो भी महत्व बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, वहाँ से ही नाग धर्म को महत्व प्राप्त हुआ है। बाद में बुद्ध धर्म के हर बातों को उसे दूषित कर दिया गया है, उसको पूजा के रूप में लाया गया है, तो उसके साथ में कई कथाएं जोड़ी गई है। और क्या कथाएं जोड़ी गई है आप अच्छी तरह जानते हो, पढ़े हैं नाग के बारे में। और ऐसे ही कई कथाएं बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो पहले से थी, बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए उन कथाओं का उपयोग दूसरी कथाओं में कर दिया, और इस तरह बुद्ध धर्म को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। मैं इसके बारे में कई बार कह चुका हूं। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल की, सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अर्हत हो? अर्हत, यदि तुम अर्हत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम अर्हत हो, अर्हत हो गए हो, अर्हत तक पहुंचे हो, अर्हत हो गए हो? अगर आप अर्हत नहीं हो तो आप ये अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र मतलब क्या है कि देखिए, इस देश में जब आर्य आए थे वो अग्नि की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, तो अपने उस हो सकता है अग्नि इंसान को जीने के लिए जरूरी था, और उसी लिए क्यों जरूरी था, क्योंकि अग्नि के वजह से हम कई काम करते थे, अग्नि के वजह से हम उसके ऊपर खाना पकाते थे, अगर ठंडी लग रही है तो अग्नि लगा के सेक लेते थे, अपने बॉडी का टेम्परेचर बहुत ठंडा बहुत कम हुआ है तो उसको सही रखने के लिए भी हम अग्नि का उपयोग करते थे। तो हो सकता है यही चीज़ आगे चलते 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 उनको उन्होंने उसको ही अपना धर्म समझने लगे और वो हो गए अग्निहोत्री। तो वो आर्य ने क्या किया कि अग्नि को अपना धर्म समझ लिया, तो अग्निहोत्री थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप अर्हत नहीं हो तो ये अग्निहोत्री आपको क्या बचाएगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अर्हत होना क्या होता है, क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तो कश्यप ने जब कभी सुना ही नहीं अर्हत क्या है तो पूछता है कि ये अर्हत क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, मुझे बताइए क्या है। तब भगवान ने कश्यप से कहा, अर्हत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्री किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। जो मैंने थोड़ी देर पहले ही अरिहंत मतलब अरहंत का मतलब बड़े विस्तार से समझाया था, तो यहाँ पे बताया है कि मनोविकारों को जीत लिया, मन के अंदर जितने भी विकार, जो मार सेना मैं कहता हूँ, जो मार सेना है उसको जीत लिया, वो अरहंत होता है और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। जो बाधा पहुंचाते हैं अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता, अग्निहोत्र किसी को भी पाप से मुक्ति नहीं दिला सकता। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता। जब भगवान बुद्ध के साथ में विचार विनिमय हो गया, विचार विमर्श हो गया,
उसके बाद में उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं भगवान बुद्ध का जो धम्म समझ सकूँ, तो मुझ में कुछ कमियाँ है। तो भगवान बुद्ध का उसने शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुयायी बनकर कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रता पूर्वक सद्धम ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। कश्यप के साथ में 500 शिष्य थे, 500 शिष्य भी दीक्षित हो गए। तब उरुवेला कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा की के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के समान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, इसने इसे क्यों फेंक दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी है। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। जब जो उनका बड़ा भाई था काश्यप, वो जब प्रेरित हो गया भगवान बुद्ध के धम्म से, और उनके जो शिष्य थे वो शिष्य को भी भगवान बुद्ध ने अपना धम्म बता दिया, वो भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो ये जटाधारी थे, उनको फिर भगवान बुद्ध के धम्म में मतलब जब भिक्खु बनना है तो उन्हें जटा निकालनी पड़ेगी, उन्हें सर मुंडवाना पड़ेगा, दाढ़ी मुंडवानी पड़ेगी। ये जो भगवान बुद्ध ने नियम दिए थे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं बता दूंगा कि इसका कारण क्या था, इसके क्या कारण थे कि सर मुंडवाना पड़ता था, ये बात तो ये बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने अपनी जटाएं और जो भी वस्त्र थे वो पानी में फिकवा दिए, वो नदी में फिकवा दिए। वो नदी के अंदर बहते बहते जो नीचे जो उनके भाई थे, भाई को पता चला कि ये तो हमारे बड़े भाई का जो 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 सब जो दिख रहा है, जो उनकी जटाएँ दिख रही है, उनके जो वस्त्र दिख रहे हैं, ये तो हमारे भाई के हैं, क्या कुछ गलत बात तो नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो बड़ी बात हो गई है, तो हमें जाके भाई को मिलना चाहिए। दोनों भाई अपने शिष्यों को लेके वो आश्रम में आ गए। वहाँ पे उनका सामना भगवान बुद्ध से हुआ। सभी अनुयायी सहित अपने भाई को श्रवण वेद धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब विचार से उठे और उन्होंने इसका कारण ना जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार लिया है तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। तो कश्यप जो बंधु थे और उनके जितने भी शिष्य थे वो भिक्षु बन गए और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्र धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। अब भगवान बुद्ध ने क्या बताया, अग्निहोत्र जो धर्म है और अपना जो धर्म है वो दोनों बातों की तुलना करके समझाया। देखिए क्या होता है कि कभी कभी लोग गलत रास्ते पे चलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका क्या गलत है, हमें क्या बताने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, वो बताने की ज़रूरत है। वो किस गलत राह पे चले हैं, तो वो गलत राह कैसे गलत थी ये उनको समझाना पड़ेगा। ये दूसरा जो राह है, जो धम्म है, वो कैसे सही है, ये भी तो बताना ज़रूरी है। तो दोनों बातें बतानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म तो स्वीकार ही कर लिया, लेकिन हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया, ये उनके 1935 से लेके 56 तक के कई भाषण हैं। उन भाषण के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया,
ये बड़ी विस्तार से बताया है, और रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखा, द रामा और कृष्णा का गौड़ बंगाल लेकर के जो ग्रंथ है वो लिखा, फिर हुवेर शुद्रास वो लिखा, हुवेर अस्पृश्या अस्पृश्य कौन थे अनटचेबल्स, हुवेर अनटचेबल्स ये ग्रंथ लिखा। तो सिर्फ बुद्ध और उनका धर्म उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने उस धर्म के अंदर क्या बातें थी जो गलत थी, क्या बातें थी जो हमें अपना हक नहीं दे रही थी, जो धर्म बाबा साहब कहते थे धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, फिर जिस धर्म के वजह से ही अगर विषमता है, जिस धर्म के वजह से ही उनको यातना सहनी पड़ रही है, तो उस धर्म में हमें क्या रहना है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसके उसके खिलाफ जाके कई प्रवचन, कई भाषण किए, और कई भाषण के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बड़ी कठोरता से और बड़े ही अभ्यासपूर्ण बहुत रिसर्च करके उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ कहा। इसीलिए यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अग्निहोत्र धर्म और बुद्ध धर्म के अंदर जो फर्क है वो फर्क बताया। ये बहुत ज़रूरी बात है, आज भी हमारे मूवमेंट के अंदर अगर हमें अगर मूवमेंट चलानी है, अगर हमें एक मिशन चलानी है, तो मिशन के अंदर तुम किस तरह सही हो, और कुछ लोग जो मिशन का नाम लेके काम कर रहे हैं वो उनके बारे में भी बताना पड़ेगा कि वो किस तरह गलत है, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या पाना चाहते हो। बाबा साहब ने जो जो बातें हमें बताई है, क्या ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या बाकी के जो बाबा साहब का नाम लेके मिशन चला रहे हैं वो मिशन चला रहे हैं, या अपना पेट भर रहे हैं, या अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाज का हित किस बात में है। अगर आप एक राजनीतिक पार्टी चलाते हो, राजनीतिक पार्टी बनाते हो, तो उसका उद्देश्य ध्येय क्या होना चाहिए, क्या जब आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और उस वक्त आप सोचोगे, अपनी सोच इतनी ख्याल अगर छोटे हो गए कि बार्गेनिंग पावर बढ़ने के बाद में मैं किसी से पैसे ले लूं, मिशन खत्म। मैंने कई लोग देखे हैं, कई सालों तक जय भीम करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, और जिस वक्त उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जिस वक्त उन्हें लगता है कि मुझे अभी पैसे मिलने वाले हैं, तो उस वक्त वो मूवमेंट मिशन हमारे लोगों को न्याय देने का, हमारे लोग संसद में जाने चाहिए, ये सब बातें भूल जाते हैं और अपना बार्गेनिंग करते हैं, पैसे ले लेते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मिशन में हमें सोचनी चाहिए। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में कुशल कर्मों की घृणा हो, उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। असम्यक विचार जब गहरे होते हैं तो उस वक्त असम्यक मतलब गलत विचारधारा जब पैदा होती है तो सम्यक जो विचारधारा है वो खत्म हो जाती है। असम्यक और सम्यक, मैंने सम्यक के बारे में आर्य अष्टांगिक मार्ग जब बता दिया था उस वक्त मैंने पूरी तरह से बता दिया था कि क्या मतलब है सम्यक का। तो अविद्या जो है पैदा हो जाती है, देखो जड़ है अविद्या, अज्ञान,
अविद्या मतलब क्या? अज्ञान, अज्ञानी होना। काम क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। ये जो अग्नि है कौन सी अग्नि है? काम क्रोध तथा मोह से पैदा होती है, तृष्णा से पैदा होती है और सभी चीजों को जला देती है, भस्मसात कर दिए, जला के सिर्फ जलाती नहीं, जलाती नहीं, जला के भस्मसात खत्म कर देती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बन जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पे जितनी तृष्णा वहाँ पे उतना दुख। भगवान बुद्ध का धर्म दुख मुक्ति का मार्ग, ये बॉटम लाइन है, ये बेस है बुद्ध धर्म का। ये मैं करीब करीब हर प्रवचन में बोलता हूँ ताकि आप समझ ले कि बॉटम लाइन क्या है, बेस क्या है, किस पर आधारित बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म दुख मुक्ति का मार्ग है। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। जैसे जैसे अकुशल कर्म घटते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब वो कुशल कर्म करने लगता है और बाद में वो श्रमण की ओर बढ़ता है। उस महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं को दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। तीनों जो बंधु थे उनका जनता के मन पे बड़ा गहरा प्रभाव था और इसीलिए ये तीनों बंधु, कश्यप बंधु जो भगवान बुद्ध का शिष्यत्व पत्र लिए, शिष्यत्व ले लिया, इसीलिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। यश की धम्म दीक्षा और कश्यप बंधु की धम्म दीक्षा आज हमने यहाँ पे देखी है। कल हम देखेंगे सारिपुत्र तथा मोग्गल्लान की प्रवज्जा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संभालिए, घर को संभालिए, फैमिली को संभालिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, पड़ोसियों को संभालिए, उनका ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए। मेरे प्रति मंगल मैत्री आपकी रहे, मेरी तरफ से आप सभी को मंगल मैत्री। कोशिश करूँगा कल फिर मिलेंगे। अभी धीरे धीरे ये लॉकडाउन ख़त्म होते जा रहा है, काम बढ़ते जा रहा है, मिशन का काम भी बढ़ रहा है और बिजनेस का काम भी मेरा काफ़ी थोड़ा मैं बिज़ी रहने लगा हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तब लाइव आऊँगा और बुद्ध और उनका धम्म आपको पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।